Hey guys, welcome back to a new vlog. तो guys, सुबह सुबह मस्त उठ गया हूँ, ट्रिप से एंजॉय करके मस्त आ चुका हूँ, सर का दर्द भी हो चुका है गायब भाई, मजा आ चुके हैं। और भाई ओम भाई, सुबह सुबह टन नो के सोया हुआ है भाई, उड़ जा भाई, बोर्ड आने वाले, उड़ जा भाई मैं हाथ जोड़ा तेरे, उड़ जा। वो ट्यूशन टीचर का तेरा नंबर है क्यों? वो बात करनी है। क्यों? नंबर दे वो जल्दी, बात करनी जल्दी थे। क्या बात करनी है? अरे मेरे को बात करनी है ना, मैं तो सुन लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ। राजा इधर आई, मैं कितने चैप्टर बोले थे उस दिन? और मैथ्स के टीचर जो तुम्हारे हैं पास करने की, तो जो ओम के क्लास टीचर नहीं है, जो ओम के मैथ्स के टीचर है, उन्होंने बोला कि इसको पढ़ने मात्र 7 से 8 चैप्टर पास होने के लिए। तो पापा कर रहे हैं बात ओम की ट्यूशन टीचर से, जो कि मैम है, दीदी है, तो वो बताएंगी और ओम को करेंगी पास। तो पापा कर रहे हैं ओम की ट्यूशन टीचर से बात। नमस्कार मैडम, मैं ललित पांडे बोल रहा हूँ, द फादर ऑफ मेदांत पांडे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैडम मेरे को एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करनी थी। ये अभी मैं ये मेदांत का रिजल्ट लेके आया ना स्कूल से, तो इनकी जो टीचर है मैथ्स के, उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा है, जिस हिसाब से अभी ट्यूशन पढ़ रहा है उस हिसाब से अगले महीने जो इसके पेपर है तब तक इनका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि 8-9 चैप्टर है, तो उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा भी मैडम अगर करवा देंगी इसको थोड़ा फास्ट, तो ये कवर अप कर लेगा। वही मैं कर रहा हूँ ना, वही तो मैं कर रहा था। अब जैसे इसको बोल रखा कि क्या बोला था, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी क्या और सरफेस एरिया और ट्रायंगल। नहीं पढ़ता हूँ घर में, घर में पढ़ता ही नहीं है मैं ट्रायंगल, लेकिन ये घर में पढ़ नहीं। अब ये कह रहा मैं ऊपर पढ़ो, पढ़ता तो हूँ यार, अब ऐसा तो मत ही बोला यार, पढ़ना छोड़ दूंगा जितना भी पढ़ा, पढ़ने के बाद में बोलोगे ना कि नहीं पढ़ रहा है। अब देखो अभी कह रहा मेरी कंप्लेन करोगे ना, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना छोड़ दूंगा अगर पढ़ना। देखो अब मैडम अगर यही हाल रहा तो लुढ़क जाएगा ना, ये तो पूरा साल खराब हो जाएगा। और जबकि इसका बेसिक है मैथ्स में, बेसिक है, बेसिक भी इजी है। तो मैडम थोड़ा सा आप थोड़ा सा फोकस कर दीजिए इस पर, थोड़ा आधा घंटा और थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा करके निकल गया ना 3 मिनट। आप जिम छोड़ बैठा, अभी 1 मिनट जिम छोड़ दे, 3 बजे बुलाई मैडम जाएगा। हाँ तो 3 बजे जाता हूँ। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, ये पास हो गया ना इस बार, तो स्टैंडर्ड का मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा आपको लड्डू। नहीं वो तो ठीक है, और लेकिन स्टैंडर्ड का प्योर देसी घी का डब्बा आपके घर में लेकर आऊंगा। है इसके कान पकड़ के खेचो इसके कानों को थोड़ा सा, और एक डंडा रख लो आज, डंडा एक वो डंडे से चुटाई कर दो कमरा बंद करके, यही करना पड़ेगा। डरता है वैसे भाई की, तो वही जो आप देखिए मैडम, हमारे टाइम में तो ये होता नहीं था कुछ, हमने तो आपको पता ही है, हमारे तो स्टैटिक कैलकुलेशन डायनोमिक्स ये सारी चीज़ें होती थी, 6-7 किताबें होती थी वैसे की, अब तो इजी है। आपने भी तो वही किताबें पढ़ी हुई जो हमने पढ़ी मेरे ख्याल से, 12th वही किया है ना, तो हमारे टाइम का लगता है हिसाब किताब, और अब इनका हिसाब किताब अभी तो इजी है, बहुत इजी है, एक किताब इनकी बताओ। तो उन्होंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन इसको बताएं कि ये क्वेश्चन तो अगर कर लेगा तो ये 5 नंबर का या 8 नंबर का ऐसे करके तुम्हारा हो जाएगा काम, 27 आ जाए, मैं तो बोला 27 नंबर आ जाए इसके, मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं, मैं पास हो जाएगी। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नया साल मुबारक हो आपको। ओके भाई साहब खतरनाक कंट्रोवर्सी होते हुए यहाँ पे, कंट्रोवर्सी नहीं वो गरीब पढ़ता ही नहीं, यहाँ भी वहाँ भी तबरीबाजी कर रहा भाई, ये कब बोला वहाँ तबरीबाजी कर रहा, हमने मन से कुछ भी तार वार जो लगा रखे दांत के दांतों में,
ये सब बाहर आ जाएंगे, याद रखना। बड़ा पढ़ाई कर ले, अब से तू पढ़ेगा ट्यूशन 3 घंटा, ठीक है भाई? पहले पढ़ता है 1 घंटा, पहले 2.5 घंटा पढ़ता था मैं, पढ़ेगा 3 घंटा, 4 घंटा। आज जिम छोड़ दे, जिम तो नहीं छूटेगा, जिम तो नहीं छूटेगा, 3 बजे ट्यूशन जाएगा फिर, और शाम को 1 घंटा पढ़ा भाई इसको, ठीक है। मम्मा खाने में क्या है? सब्जी रोटी। मम्मा आजकल आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है यार? ग्लो क्यों कर रही है मतलब स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतना साफ चेहरा आपका, कैसे है? कैसे है बताऊं? हाँ, क्या क्या कुछ लगा रहे हो क्या आजकल? इसके पीछे क्या है बताऊं? क्या है ये? क्या है ये? एक किट है जो कि आजकल मैं यूज कर रही हूँ। किट है ये? हाँ, ये भाई? साथ साथ मैं व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगी। अच्छा। बेसिकली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मुझे अपने मतलब अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी स्किन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब मैं ही फिट नहीं रहूंगी, मेरी स्किन ग्लो नहीं करेगी, तो लोग मुझसे कैसे प्रभावित होंगे ना, सीधी सी बात है। तो ऐसा है, कुछ टाइम पहले मेरे फेस पे हल्की सी पिगमेंटेशन आ गई थी, एक्ने हो गई थी, तो उसके स्कार्स थे, तो मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा फील हो रहा था। तो मैंने क्या करा, ये क्योर स्किन का प्रोडक्ट है, ये मैंने मंगवाया। अच्छा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करें। अच्छा। और वहाँ पर आप चैटिंग के थ्रू डर्मेट से मिल सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, वो आपकी एज पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, कैसे है, क्या है, क्या आप इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, क्या आपने विजिट किया है डॉक्टर के पास, एंड ऑल सारी चीजें पूछी जाती है इस ऐप में। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से चैटिंग, क्योर स्किन, क्योर स्किन के। आप बाहर जैसे विजिट करते हैं डॉक्टर के पास, किसी डर्मेट के पास आप जाते हैं, तो क्या होता है, कंसल्टेशन फीस ही 500 से 1000 रुपए होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कंसल्टेशन फीस नहीं देनी, फ्री में होता है, फ्री में होता है। अरे वाह। तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपकी किट जो है कस्टमाइज की जाएगी, और आपको वो आपको पूरा डाइट प्लान देते हैं कि आपको एक दिन में कितना वाटर इनटेक करना है, क्या डाइट आपको लेनी है, क्या नहीं लेनी है, तो उस चीज को, उस डाइट प्लान को आपने फॉलो करना है, तभी इसका प्रॉपर रिजल्ट आता है। और इस किट में यूज कर रहे हो उसको? 2 मंथ्स हो गए। तो देख ही सकते हो आप लोग, स्किन देख सकते हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है आपकी। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मैम आपका स्किन इतनी साफ स्किन, क्लियर स्किन। तो ये इतने बड़े बच्चे की माँ। तो ये इस तरीके से ये किट मुझे कस्टमाइज होके मिली है। ये फेस वॉश है, ये मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, और ये क्रीम है। अब देखिए मेरा स्किन केयर रूटीन, ये है फेस वॉश, ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसको लेंगे अच्छी अमाउंट में। ये मैंने ले लिया, ये फॉर्मिंग बेस है इसका। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर, थर्ड स्टेप है सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है दिन में। लास्ट है ये मल्टी एक्टिव करेक्टर। आपने देख लिया मेरा स्किन केयर रूटीन, मेरी ग्लोइंग स्किन का राज आप सबको पता चल चुका है। और अगर आप शैलजा 100 कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको पूरी बिलिंग में 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक को क्लिक करना है और ऐप इंस्टॉल करना है। क्योर स्किन। बाकी भाई नाश्ते में है मस्त अपने चने की सब्जी, तो मस्त खाएंगे भाई। मैं पागल हो गया क्या भाई, क्या कर रहा है? अरे अबे ओ छपरी, ये रहा ओम भाई। तो गाइस सामने आई है पूरी फैमिली, जो कि देहरादून से आई है, और सारे बच्चे, अपना नाम बताओ। मेरा नाम काव्य जोशी। काव्य जोशी। आपका? मेरा नाम मैत्री जोशी। मैत्री जोशी। आपका? दिव्य जोशी। दिव्य जोशी। और मैम का नाम? प्रीति जोशी। और सर का नाम? ललित। आपके पास? अरे पापा सेम नाम है। अच्छा सेम नाम राशि है। तो पूरी फैमिली आई है, तो गाइस थैंक यू सो मच, ऐसा प्यार मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, तभी हम ग्रो करते हैं लाइफ में। तो आप देखते हो डेली? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट आप दोनों की जो शरारतें और वैसी वो होता है, वो पसंद है। कॉमेडी? कॉमेडी ओम में की तो सबसे ज्यादा। अरे वाह गजब यार, गजब, थैंक यू यार। तो गाइस अभी तो मस्त नहा धो के आ चुका हूं मैं, और भाई अभी भाई मैं जा रहा हूं अपने कुछ काम से। भाई काम क्या है वो भी देखो आप। मम्मा पढ़ाई कराओ उसको, पढ़ाई कराओ उसको। अंदर जा, फेल हो गया, अंदर जा, फेलियर। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी देखने के लिए, अपनी गोरखा भाई, अपनी जो गोरखा है भाई वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस मात्र 4-5 दिन का काम और रह गया है, फिर अपनी गाड़ी जो है फुल रेडी हो जाएगी भाई, फुल रैप के साथ फुल मॉडिफाइड गोरखा हो जाएगी भाई। तो अभी हम आए अपने गैरेज में भाई। We'll be right back.
गाइस अभी फाइनली भाई हम देख के आ चुके हैं अपनी गाड़ी भाई, और गाड़ी भाई बिल्कुल रेडी हो गई है। लेकिन भाई दिक्कत वाली बात यह है कि अभी अपनी गाड़ी में ऑलमोस्ट हफ्ता भर लगने वाला है। हफ्ता 10 दिन में भाई हमारी गाड़ी का काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। बट भाई जब अपनी गाड़ी आएगी ना भाई तो इतनी मॉडिफाइड और इतनी प्यारी बनने वाली है जिसकी हद नहीं है। क्यों सर? बहुत तगड़ी, फुल माफिया बनने वाली है। कोई बात नहीं, डाकू बनने वाली है। एक्स्ट्रा लग जाए, दो चार दिन कोई एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब। लेकिन भाई रिजल्ट एकदम तगड़ा आने वाला है। माफ भी, लेकिन भाई जब अपनी गाड़ी आएगी ना भाई तो लोग उसको मुड़ मुड़ के तो देखते हैं अभी भी, लेकिन उस टाइम पे तो और देखेंगे। अरे तगड़ी जी वैगन आएगी, जी वैगन भाई। तो गाइस अपनी गुरखा को, अपनी गाड़ी को भाई हम गैराज में देखने के बाद गए थे अपनी गुरखा की कुछ और प्लानिंग करने के लिए। तो भाई प्लानिंग करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया, फिर घर में आया, एडिटिंग करी, अभी रात के बच्चों के 12, अभी सुबह कर देंगे व्लॉग को अपलोड। तो गाइस अभी सोते हैं बस। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया तो चैनल पे स्माइल आई, अपने एंजॉय करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लिव लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार है ना, टिल देन बाय।